अच्छा, जब ये निश्चय हो जाए कि भगवान अपने भक्तों को दुख नहीं देते हैं, तो इसका एक बहुत बुरा परिणाम ये होगा कि लोग भक्त को दुख दे दे के देखेंगे कि ये सच्चा भक्त है कि नहीं, मार मार के उसकी परीक्षा करेंगे। हाँ, ये भक्तों के ऊपर बड़ी विपत्ति आ जाएगी। मैंने हंसी के लिए बात नहीं कही, आप ध्यान से देखना। तो भक्ति, भक्त अपने सुख दुख में स्वतंत्र नहीं है, भगवान के पराधीन है। भक्त को जो दुख सुख होता है वो कर्म का दिया हुआ नहीं होता, वो भगवान का दिया हुआ होता है। आप इस बात पर ध्यान दो। भक्त को कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म में या इस जन्म के कर्म में, कि नारायण वो भगवान के घर में बैठे हुए भक्त के पास पहुंच जाए और जाके उसके साथ चिपक लाए, और भक्त की दृष्टि में कर्म दुख देने वाला है भी नहीं। भक्ति की पहली विशेषता है क्लेश अग्नि और प्रारब्ध हृत श्री कृष्णाकर्षणी, यह अविद्या अस्मिता राग। हम लोगों को जो दुख होता है ना, वो पांच कारणों से होता है। एक तो नासमझी से, और एक अभिमान से, और एक राग माने मोहब्बत से, और एक द्वेष माने नफरत से, और एक अभिनिवेश माने अपने को भूलकर मृत्यु के भय से ग्रस्त हो जाने के कारण। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेश के पांच कारण हैं। भक्त के जीवन में ये पांचों नहीं होते हैं। अच्छा, और प्रारब्ध हृत, भक्ति जो है वो प्रारब्ध को लूट लेती है, चुरा के फेंक देती है। जिसके मन में भगवान है उसको क्या संसार की वस्तुओं के लिए दुख होगा? तो दुख के बाबू तीन भेद हैं। एक, किसी ने गाली दी, डंडा मारा, ये भौतिक दुख हुआ, और आसमान से बिजली गिरी, ये दैविक दुख हुआ, और अपने मन की उलझन से रात को आराम से सोए, नींद टूटी, किसी के बारे में ख्याल आया, वो हमको बहुत दुख देना चाहता है, दुखी हो गए। और वो हमारा बड़ा प्यारा है, हमको सुख देना चाहता है, सुखी हो गए। ये मन की उलझन है, वो नहीं सुलझत उलझन, नारे भीतर की जो उलझन है वो सुलझती नहीं। तो इन्हीं को बोलते हैं आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार का दुख बोलते हैं। पर कोई भी दुख हो वो होगा अपने मन में, मन में घुसे बिना दुख का अनुभव नहीं हो सकता। मन का दुख का अधिकरण, दुख सुख का अधिकरण, माने जिसमें दुख सुख होते हैं वो मन है। और डंडा नहीं है, गाली नहीं है, गाली तो ससुराल में भी मिलती है, चपत तो माँ भी लगाती है, गाली तो होली के दिन, गाली बुरी नहीं है, वो विधि के अनुसार है, संविधान के अनुसार है कि मनमानी है। जगन्नाथपुरी में झूठ तो खाते ही हैं नारायण, उसको अपने मन से नहीं सोच ले, बड़ा भारी अपराध बताया है। जगन्नाथपुरी में जाकर के प्रसाद में कोई दोष की दृष्टि करे तो वो बड़ा भारी अपराधी हो जाता है। और अलग अलग बातों का हम नाम लेके नहीं सुनाते हैं,
क्योंकि लोगों को भ्रम हो सकता है, समझते नहीं। तो एक तो होते हैं दुख के निमित्त जो बाहर होते हैं, और एक होती है दुखाकार वृत्ति। तो जिसका हृदय भगवद आकार हो जाता है, भगवान ही भगवान है, ये में रहे रहो ना ही न ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरे और, दुख कैसे आएगा। यदि तुम्हारे हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीतांबर धारी मंद मंद मुस्कुराते हुए प्यार भरी आंख से देखते हुए ठुमक ठुमक कर चलते हुए तुम्हारे मन में भगवान है, वहां दुख का क्या। वही नाचते हुए आड़ में जाएंगे तो दुख मालूम पड़ेगा, नाचते हुए सामने आएंगे तो सुख मालूम पड़ेगा। भक्त के हृदय में जो सुख दुख होता है वो भगवान के संबंध से होता है। अच्छा, भाभी में किसे कहीं त्रिपुरारी मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, प्रारब्ध को तो मिटा देती है भक्ति। अब एक तीसरी चीज और है, मैं दुखी हूं ये अभिमान। तो जिसको असा अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं भगवान का आदमी हूं नारायण, मैं और किसी का नहीं हूं। तो दुख का जो अभिमान है वो अज्ञान से है, चाहे उसको परमात्मा का अज्ञान बोलो चाहे अपने आत्मा का अज्ञान बोलो, उसमें दुख सुख होता ही नहीं है। तो गोपियों को भी दुख है, पर किस बात का, कि हम प्यारे से मिल नहीं सके। उनको ये नहीं है कि हमारे घर में धन नहीं है, कि जन नहीं है, कि नारायण मतलब भवन नहीं है, कि ये दुख नहीं है। दुख क्या है, कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, ये है भक्त का दुख। और ये तो संसार के कोटि कोटि सुखों से भी बढ़ करके ये दुख है जो भगवान के लिए होता है। इसलिए बाबू, इसलिए नारायण, ये जो भक्त के जीवन में दुख है वो कर्म का दिया हुआ नहीं है, आदमी का दिया हुआ नहीं है, मन का दिया हुआ भी नहीं है, देवता दानी का दिया हुआ भी नहीं है, किसी देवता दानी का सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के भक्त का स्पर्श कर सके। इसलिए नारायण, ये है भक्त के जीवन में जो दुख है, ये है भगवान की एक लीला है।